जब पाकिस्तान में लहूलुहान हुआ क्रिकेट, इंडिया न्यूजीलैंड श्रीलंका टीम ने देखा है भयानक मंजर। क्यों पाकिस्तान जाने से घबराती है टीमें? फरवरी 2025 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा और भारत सरकार ने टीम इंडिया को पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया है। ऐसे में पाक बोर्ड काफी नाराज है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिरकार भारत या फिर बाकी के भी देश पाकिस्तान में खेलने जाने से क्यों घबराते हैं? 1990 से 2010 का वो दौर था जब क्रिकेट ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दियों का डर भी अपने चरम पर था। इस दौरान पाकिस्तान दौरे पर गई टीमों पर कभी पत्थर, कभी चाकू तो कभी गोलियां चली हैं। खिलाड़ियों ने कैसे अपनी जान बचाई है ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और तभी से पाकिस्तान सबसे अनसेफ कंट्री बन गई है। तो आज के वीडियो में ये जानेंगे कि पाकिस्तान दौरे पर गई टीम्स पर कितनी बार हमला हुआ और दुनिया भर में पाकिस्तान की कब कब बेइज्जती हुई है। 1989-90 में भारतीय टीम पाकिस्तान में चार टेस्ट और चार वनडे की सीरीज खेलने के लिए गई थी। टेस्ट सीरीज के चारों मैच ड्रॉ रहे। उसके बाद पहला वनडे मैच खराब लाइट की वजह से रद्द हो गया। दूसरा मैच पाकिस्तान ने जीत लिया, लेकिन तीसरे मैच में कुछ ऐसा घटा जिसके बाद पूरा पाकिस्तान शर्मसार हो गया। दरअसल इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और उस टीम के 28 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे, जिससे स्टेडियम में मौजूद फैंस नाराज हो गए और भारतीय फील्डरों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उस वक्त पाकिस्तानी खिलाड़ी जावेद मियादाद ने भीड़ को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच एक आदमी क्राउड से निकलकर मैदान पर आ गया और उस वक्त के टीम इंडिया के कप्तान क्रिस श्रीकांत पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। टीम के खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी मेटल के हुक से मारने की कोशिश की गई। इस मैच में कुछ पाकिस्तानी फैंस बाबरी मस्जिद गिराने के विरोध में भी पोस्टर लिखे हुए दिखाई दिए। इसके बाद इस मैच को रद्द कर दिया गया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खूब थू-थू हुई, और इसके बाद ये मुकाबला यहीं पर समाप्त हो गया। इस घटना के बावजूद टीम इंडिया फिर से पाकिस्तान के दौरे पर गई। हालांकि कई बार पाकिस्तान के दौरे पर गई, लेकिन पाकिस्तानी नहीं सुधरे। 1997 में सचिन तेंदुलकर टीम के कप्तान थे, तब पाकिस्तानी फैंस ने टीम इंडिया के चार खिलाड़ियों पर पत्थरों से हमला किया। 2006 में सचिन तेंदुलकर पर कराची में पाक फैंस ने पत्थर फेंके, और 2006 में ही इरफान पठान पर फैंस ने किसी नुकीली चीज से हमला किया जो सीधे उनकी आंख के नीचे आकर लगी थी, जिसका खुलासा खुद इरफान पठान ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान किया था। तो ये हमले हुए थे टीम इंडिया पर जब टीम इंडिया पाकिस्तान गई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक हमले, इससे भी ज्यादा शर्मसार करने वाले हमले पाकिस्तान में हुए हैं जब टीमें वहां पर खेलने गई। इसमें सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम जब पहुंची थी 2002 में पाकिस्तान का दौरा करने, इस दौरान पहला टेस्ट मैच लाहौर में हुआ, उसके बाद जब दूसरा टेस्ट मैच कराची में होना था और मैच वाले दिन न्यूजीलैंड की टीम के होटल के बाहर एक बड़ा विस्फोट होता है। उस विस्फोट में करीब 12 लोगों की जान जाती है और बाहर आकर पता चलता है ये दहशतगर्दियों द्वारा किया गया हमला है। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम जो है वो सिक्योरिटी रीजंस के चलते उनके क्रिकेट बोर्ड वाले वापस बुला लेते हैं। इसके बाद पूरे पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बनना शुरू हो गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दियों को पनाह देता है। 3 मार्च 2009 को पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से पूरा खेल जगत हिल गया था। खिलाड़ियों की आपबीती सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस दिन को ब्लैक डे ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। दरअसल 2009 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान दौरे पर गई थी और पूरी टीम मैच वाले दिन लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम जा रही थी, लेकिन रास्ते में घात लगाए बैठे दहशतगर्दियों ने श्रीलंका टीम की बस पर हमला कर दिया। इस हमले में बस ड्राइवर की तो जान चली गई, लेकिन खिलाड़ियों ने अपनी जान कैसे बचाई ये सुनिए। सभी खिलाड़ी जैसे ही वहां पर हमला शुरू हुआ सीट के नीचे छुप गए। कोई खिलाड़ी सीट के एकदम नीचे जाकर लेट गया, कोई खिलाड़ी बैठ गया, लेकिन सब खिलाड़ी बस भगवान को याद कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा था शायद अब यहां से बचना नामुमकिन है। जैसे जैसे उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ी इंजर्ड हो गए। उसमें कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, थिलन समरवीरा, थरंगा परनाविताना, अजंता मेंडिस और थिलन तुषारा को गंभीर चोटें आई।
इसके साथ पाकिस्तान के अंपायर एहसान रजा इतनी बुरी तरह जख्मी हो गए थे कि डॉक्टरों को उन्हें सही करने के लिए 86 टांके लगाने पड़े थे। तो आप अंदाजा लगाइए ये हमला कितना भयावह था। सोचिए क्या गलती थी श्रीलंका टीम की, क्योंकि इनका तो कुछ दूर दूर तक लेना देना भी नहीं था। दहशतगर्दियों को किसी भी तरह से रोका गया, यहाँ पर पुलिस बल का इस्तेमाल हुआ, आर्मी आई। इसके बाद पुलिस आर्मी की मदद से जैसे तैसे खिलाड़ियों की जान बची और सभी खिलाड़ियों को पाकिस्तान सेना के हेलीकॉप्टर से वहां से निकाला गया और तुरंत सभी खिलाड़ी जो हैं श्रीलंका के लिए लौट गए। इस हमले के बाद कई सालों तक किसी भी विदेशी टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। साथ ही पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे अनसेफ कंट्री बन गई थी। अब इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है पाकिस्तान 2025 में, यहाँ पे भारत जाने से मना कर रहा है, बाकी टीमें आने को तैयार हैं क्योंकि लगता है कि हालात बदल चुके हैं। लेकिन भारत सरकार टीम इंडिया को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं देगा और चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मोड यानी कि दुबई या श्रीलंका पे कराने की बात की गई है। ऐसे में कुछ पाकिस्तानी फैंस जो हैं या रिपोर्टर हैं या पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं वो नाराज हैं, कह रहे हैं क्यों नहीं आएंगे, लेकिन टीम इंडिया किसी भी हाल में नहीं जाएगी। जब सोचिए इतना कुछ जिस देश में घटा हो वहां कोई खेलने क्यों जाएगा। लोग बोलते हैं कि 2008 के बाद टीम इंडिया के जो संबंध हैं वो पाकिस्तान से खराब हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले भी कोई पाकिस्तान दूध का धुला नहीं था, उससे पहले भी हमारे देश के खिलाड़ियों पर जानलेवा हमले हुए और यहाँ तक कि कई बार बारी आगे की जान भी जा सकती थी। तो सोचिए कि क्यों कोई वहाँ पर खेलने के लिए जाएगा, इसीलिए टीम इंडिया नहीं जाएगी। अब आप हमें कॉमेंट करके बताएं कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री है या नहीं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।